आपके प्यार को इस पर्सन ने नफरत में बदल दिया। यह पूरा वीडियो आज बोलेंगे, बहुत हेवी फीलिंग्स है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। उससे पहले मैं रीडिंग, पर्सनल रीडिंग ले रही हूँ 101 रुपीज़, हीलिंग, काउंसलिंग, थेरापी सब कुछ कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो सोच के रहे हो आ जाओ, और नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। इतना इरिटेशन आप अभी फील करते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है वो मूव ऑन करेंगे ना, आएंगे ना, प्यार करेंगे ना, छोड़ देंगे, पूरा बीच में फंसा के रखे हैं आपको। इसलिए आप अभी गुस्से हो, कभी कभी आप ब्लेम भी करते हो, नफरत भी करते हो, हेट भी करते हो, क्योंकि ऐसे हालात आपको कर चुके हैं आपका स्पेसिफिक पर्सन। ओके, आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है, जो आप जब आपसे मिलते हैं तब ओपन अप होते हैं आपके सामने, तो वो बड़े बड़े सब कुछ बोलते, ये करेंगे, वो करेंगे, हम दोनों के रिश्ते में ऐसे करेंगे, तैसे करेंगे, स्पीच दे देते हैं, ठीक है, बट दुनिया के लिए स्टैंड नहीं ले पाते। दुनिया के लिए मतलब उसका फैमिली के आगे आपके बारे में कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, व फ्रेंड्स के आगे, व कुछ भी सोसाइटी के आगे आपके बारे में कुछ नहीं बोल पाते हैं, तब एकदम चुप्पी लगा के मुंह पे बैठ जाते हैं। बट जब आपके सामने आते हैं तब बहुत ही ओपन अप होते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, यही बात आपको बहुत सताते हैं, क्योंकि तुम मेरे से बोल रहे हो, बट जब लड़ने के टाइम आते हैं तब एकदम ऑफ हो जाते हो। मैसेज घर वाले के लिए टाइम, उसके टाइम पे देखना, वो लोग जब रहेंगे तो फ़ोन मत पकड़ना, ये सब बीच में एकदम आप फंस चुके हो। और कभी कभी आपको ये भी लगता है आप उसे मूव ऑन कर जाओ, ज़रूर कमेंट पे लिखो ऐसे हो रहा है तो। ओके, ये आपका जो पर्सन है थोड़ा रूड है दुनिया के लिए ना, झुकते नहीं, झुकना नाम का कोई चीज़ ही नहीं है किसी के सामने भी नहीं, आपके सामने कभी कभार करते हैं जब आप मुंह फेर लेते हो तब आके वो आपको संभालते हैं, बट डोमिनेटिंग करते हैं आपको, उसको बात ही मानना है, घुमा फिरा के उसको बात आप मानते भी हो, आप भी मानते भी हो, ऐसे करके रखे हैं आपको। आप चाहते हो वो आपको ज़्यादा एक्सप्रेस करे, जो आपको वो एक्सप्रेस लाव का इतने नहीं करते, बट जब आप मुंह फेर लेते हो तब ये करेंगे हम, इस रिलेशनशिप पे ऐसे आगे बढ़ेंगे, मुंह पे बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, ठीक है, बोलते हैं। और अभी वो क्या कर रहा है, थोड़ा चुप्पी लगा के बैठे हैं, दुनिया का सामने बोलो, घर के सामने बोलो, घर वाले के सामने बोलो, फ्रेंड्स के सामने बोलो, ये प्यार के बातें को उठाना ही नहीं चाहते हैं, हिम्मत ही नहीं है, एक्चुअली हिम्मत ही नहीं है। और बोल सकते हो आप इमोशनलेस इंसान है, इमोशनलेस इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, लव कर रहे हो। ये ऐसे नहीं है आपके लिए लव नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, बट थोड़ा वेटिंग गेम खेल रहा है, जैसे ना वेट करो, चलो समय दो, कितने समय दे, कितने समय देंगे। लड़की लोग को भी घर में, बाल लड़के लोग को, जो भी बॉडी जो भी हो, प्रॉब्लम होते हैं शादी के लिए उठा रहे हैं, बट इसको चाहिए वेटिंग लिस्ट, वेटिंग में झूला रहे, गो विथ फ्लो, माने समय जैसे चल रहा है आप ऐसे चलो, बट स्टैंड भी लेना ज़रूरी है ना, तो नहीं ले रहे हैं तो आप लो उसको ठीक करने के लिए। ओके, ये मैसेज नहीं कर रहे आपको, ये कॉल कर नहीं कर रहे आपको, ये जब भी आप करते हो आप ही ज़्यादा करते हो, आप ही ज़्यादा मनाते हो, और जब भी आप बोलते हो कॉल करने के लिए तो वो बहाने देते हैं काम का, टाइम नहीं थे काम के लिए, वो नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे। आप भी टाइम मत दो, कॉल मत करो, क्यों नहीं फ़ोन किया, बोलना बंद करो, जो आपको वैल्यू नहीं दे रहे उसको वैल्यू देना बंद कर दो। और एक बात, सब पूछोगे ये हमारे लिए रीडिंग है, डीएम के लिए रीडिंग है, डीएम जर्नी आप भी जानते हो, टीएफ जर्नी अलग होता है, ये सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन के लिए, जो जो स्पेसिफिक पर्सन है उसके लिए है। डीएम का भी रेजोनेट करेंगे किसी किसी का, बट एकदम 100% 90% रेजोनेट
ये नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक पर्सन, एक जर्नी स्पेसिफिक भी होता है, नॉर्मल जर्नी भी होता है, स्पिरिचुअल जर्नी भी होता है, हर टाइम TF जर्नी ही नहीं होती, सोलमेट जर्नी भी होता है ना। तो ये सोलमेट जर्नी में भी हो सकता है, किसी किसी का रेजोनेट करेंगे, बट किसी किसी की लाइफ में कार्मिक आए हैं, ठीक है, वो ज़रा ख्याल रखना, अलर्ट रहना, कार्मिक है तो ज़्यादा ध्यान रखना। ओके है, ये चाह रहे हैं, आप एक्शन लो, आप एक्शन लो, ये चाह रहे हैं, आप आगे बढ़ो, आप स्टैंड लो, सब कुछ आप करो, वो सिर्फ फल के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, कब मीठा फल पेड़ से गिरेंगे और खाएंगे, ठीक है, एकदम साफ बोल रही हूँ। खुद के हाथों में हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, खुद कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके लिए, ओके, चाहते हैं आप लो, आप सब कुछ करो, झंझट हो, प्रॉब्लम हो, सब कुछ सोल्यूशन आप करो, बट वो खुद के काम पे फोकस है, इस वक्त बहुत ही रूट एनर्जी में है, अच्छे नहीं लग रहे बोलने में, बट सच सुनना उचित है, ठीक है, सच के साथ झेलना सीखो, ओके। इसके पूरी तरह इच्छा है ये कनेक्शन आगे बढ़े, आगे बहुत दूर तक चले, सोच रहे हैं, जो एक्शन भी लेना पड़ता है उसके बारे में नहीं सोच रहे, ठीक है, ठीक, चाह रहे हैं एक रास्ता मिल जाए, देखो ऐसे ऐसे तो रास्ता नहीं मिल जाते, उसके लिए मेहनत करता है, मेहनत कुछ नहीं कर रहा है, बट ये ऐसे नहीं है रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, ये नहीं है, ये चाहते इस रिश्ते में आगे बढ़े, आगे बहुत दूर तक जाए, बट ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा स्टैंड लो खुद के लिए, मीन्स आप चुप हो जाओ, ऐसे करो, आप परेशान हो चुके हो, मूव ऑन आप भी कर सकते हो, ठीक है, मत करो, बट बोल रही हूँ, उसको समझाओ, समझाओ नहीं, बॉडी लैंग्वेज से दिखाओ, ठीक है, हर टाइम आप कॉल करते हो, हर टाइम आप मैसेज करते हो, इसलिए उसका जो सर है ना एकदम ऊपर उठ जाए, कान झुक नहीं रहा है, कान पूरा ऊपर उठ रहा है, ठीक है, तो ऐसे करोगे तो खुद को ही पेन झेलोगे, खुद ही तड़पते रहोगे, तो क्या करोगे, रिमोट आपके हाथ में है, कंट्रोल आपको करना है, ठीक है। का जो पर्सन है ये इतना स्ट्रांग है ना, जो भी कुछ सोचते हैं मिलता है, ठीक है, तो आपका बहुत ही क्रेविंग हो रहा है, इसको हो रहा है तो कमेंट पे ज़रूर लिखो, आपका दिल का जो पर्सन है इतना स्ट्रांग है, इतना क्या बोलूँ, इतना स्ट्रांग दिल का है, दिमाग का है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, ठीक है, आप कितने भी कोशिश करके भी खुद ब खुद ही सरेंडर कर रहे उसके आगे, ठीक है, बट अभी मत करो, अभी आप जान चुके हो, अलर्ट हो चुके हो, तो मत करो, क्योंकि फिर आपको ही पूरा स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको ही, घर वाले उसका है, आप कैसे करोगे, जाके बोलोगे मुझसे शादी दे दीजिए, आपका जो लड़का है बा जो भाई है बा जो जो भी है, ऐसे बोलोगे, वो खुद को स्टैंड लेना पड़ेगा ना, तो वो आपको इतना स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है ना, आपको दिल ना एकदम चुंबक की तरह खींच रहा है, ठीक है, तो थोड़ा कंट्रोल करो खुद को। आपके जो पर्सन है उसके करियर में बहुत ही ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, बहुत ही आगे निकल रहे हैं, उसका जॉब नहीं था तो जॉब लग रहे हैं, जॉब में प्रमोशन लग रहे हैं, और पैसा में भी ग्रोथ हो रहा है, जॉब का सैलरी जो था अभी बहुत ज़्यादा और हो गया, सब कुछ मिल रहा है, और ध्यान भी दे रहे हो करियर की तरह, प्यार में सेकेंड प्रायोरिटी, ठीक है, सेकेंड थर्ड जो भी दे रहे हैं, बट काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, ज़्यादातर ज़्यादा टाइम आप लोग मिलने भी नहीं गए हो, कोई घूमने की जगह बहुत दिन हो गया आप लोग घूमने नहीं गए हो, कभी भी आजकल एक बार मीट कर लेते हो, फिर भी हो जल्दी जल्दी करते, क्योंकि घर जाएंगे काम करेंगे, कंप्यूटर में हो, जो भी हो काम करेंगे, ठीक है, तो आपका ये परेशानी बहुत परेशान कर रहा है दिल में, आपको ये लग रहा है पहले वो ऐसे थे अभी वो चेंज हो चुके हैं, देखो काम पे ध्यान दे रहे हैं ये गलत बात नहीं है, गलत बात यही है वो स्टैंड नहीं ले पा रहे, ठीक है, उसको वो आप कंट्रोल करो, और एक गलत बात है आप करियर में नहीं ध्यान दे रहे हो, सिर्फ प्यार में ध्यान दे रहे हो, वो प्यार में नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो आपका बहुत ज़्यादातर टाइम है अकेले, अकेलापन महसूस करना, कब आएंगे, आप काम पे ध्यान दो तो उसका याद नहीं आएंगे, तो वो अट्रैक्ट होंगे आपकी तरह, ठीक है, और
सोच रहे हैं आपके लिए ऐसे नहीं है, बट काम के लिए ज़्यादा। ओके, आपके जो पर्सन है, ये जो बंदा है ना, ये फैमिली को भी बहुत मानते हैं। उसके बातें सच बोल रहे हैं ना झूठ बोल रहे हैं, प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है। काला को सादा बोल रहा है, ब्लैक को वाइट बोल रहा है, तो यहाँ माथा ना रखे, जानते हैं वाइट नहीं है फिर भी हाँ ही करेंगे। तो फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए, होना चाहिए। ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बट ये नहीं है, ये नहीं है। आप झूठ को झूठी बोल दो, झूठ को झूठ नहीं है तो बोलो झूठ नहीं है, सच को सच है तो सच बोलो, सच नहीं है तो सच बोलो। तो घर वाले जो भी कुछ बोल रहे हैं, गलत पे भी हाँ कर रहे हो, सही पे भी हाँ कर रहे हो, तो गलत और सही का वैल्यू ही नहीं रह रहा है। ये भी आपको परेशान लगते हैं कभी कभार, आप क्यों नहीं कुछ बोलते हो, प्रतिवाद क्यों नहीं करते हो, ठीक है, बट सुनते नहीं है। वो तो सुनने वाला नहीं है आपका जो पर्सन है, खुद का ही सुनते हैं सिर्फ। तो थोड़ा खुद स्ट्रांग हो जाओ, ओके। ये जो पर्सन है वो खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही, मैंने जैसे बोलूँ ना, बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टर है, दिल दिमाग स्ट्रांग है। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होंगे, उसका नेगेटिव नहीं आते सच्ची में, उसका पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव आते। तो आपको सोल क्रेविंग हो रहा है, आप पागल हो रहे हो, आप तड़प रहे हो, वो नहीं हो रहा है, वो जान चुके आप आ जाओगे और चले भी जाते हो ऐसे, ठीक है। तो आप थोड़ा स्ट्रांग हो जाओ, ओके, इसको थोड़ा थोड़ा सुधारो, खुद स्ट्रांग हो गए, छोड़ो मत, खराब नहीं है, बस थोड़ा रूड है, डीट है, ओके। तो वीडियो आज इतने तक, रीडिंग लेना है तो 100 रुपीज़ ले रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आ जाओ। हीलिंग थेरापी काउंसलिंग सब कुछ कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। नया आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अच्छे रहो, अच्छे सोचो, खुद को प्यार करो और मुझे भी, है ना। सो टाटा।